जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और आज की कहानी का नाम है सन्नाटा। कहते हैं कुछ रातें ऐसी भी होती हैं जब हर ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। कुछ अनका असाधारण हम आसपास महसूस करने लगते हैं। चांद का चुंबकीय खिंचाव भी उस रात ज्यादा हो जाता है। सुना है तब कुछ काली शक्तियां उस रात किसी कमजोर व्यक्ति की तलाश में लग जाती हैं जिन पर वो हावी हो सके। राजीव आज भी थका सा घर की ओर जा रहा था। दिन भर की आपाधापी उसको निचोड़ चली थी। क्या यार, आज तो चला भी नहीं जा रहा। मन कर रहा है बस लौट जाऊं, किसी तरह घर पहुंच जाऊं, गर्म पानी में पैर डालकर थोड़ी देर बैठ जाऊंगा। राजीव अक्सर आखिरी ट्रेन पकड़ काम से घर लौटता था, फिर एक शॉर्टकट जो कब्रिस्तान के पीछे से होते हुए उसे सीधे उस रोड पर निकालता था जहां से उसका घर बस 1 किलोमीटर की दूरी पर था। हालांकि उसके करीबी लोगों ने उसे मना किया था कि देर रात कब्रिस्तान का रास्ता मनहूस होता है, उस तरफ ना जाया जाए तो ही अच्छा है। राजीव हर रोज यही सोचता कि काम से जल्दी आ जाएगा और फिर रिक्शा लेकर घर लौटेगा, पर हर बार देरी के चलते वो फिर से वही सुनसान रास्ता ले लेता। सुस्त कदमों से वो कब्रिस्तान वाला इलाका पार करने लगा। आज वहां एक अजीब खामोशी पसरी थी, न किसी जानवर की आवाज और न ही पेड़ पौधों की सरसराहट, मानो सब कुछ रुका सा हो। राजीव को यह सब कुछ अटपटा लगा। पहले तो उसने चारों ओर देखा, पर रात की परछाई उसे अंदर तक टटोलने लगी। वो सांसों को थामे आगे बढ़ने लगा। उसके कदम जो अभी सुस्त थे तेज हो चले। अब बस कच्चे रोड पर घिसरते उसके जूतों की आवाज ही सन्नाटे को चुनौती दे रही थी। आज की रात मामूली रात न थी। रात का रंग आज गाढ़ा काला था। चलते वक्त राजीव एक अजीब ठंड महसूस कर सकता था। भारी सांसें भरता वो किसी तरह उस पार निकल जाना चाहता था। खुद को तेजी से खींचता वो अल्लड़ आगे बढ़ने लगा कि तभी उसे लगा मानो उसने अभी जो पेड़ पार किया उसके पास कोई खड़ा है। वो मुड़कर पीछे देखना तो चाहता था पर हिम्मत ना जुटा पाया। कुछ कदमों के बाद उसने धीरे से पीछे की ओर देखा तो पाया ठीक दाईं ओर एक आकृति उसकी ओर झांक रही है। राजीव की चीख निकल गई। ठीक एक कब्र के ऊपर अंधेरे में कोई खड़ा था। उसके शरीर का आकार बेढंगा था। पांव जरूरत से ज्यादा लंबे थे। गर्दन मानो कंधों में धसी थी। सर का ऊपरी हिस्सा बिगड़ा हुआ सा था। हाथ बहुत छोटे थे पर उंगलियां बड़ी। राजीव के हाथ पांव फूल गए। वो झट से मुड़ भागना चाहता था पर उसे चला भी ना गया। वो फटी आंखों से उस छवि को निहारता गया। किसी तरह वो गिरता पड़ता कब्रिस्तान वाले इलाके से दूसरी तरफ पहुंचा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, पर वह हैरान तब हुआ जब उसने पाया उसकी शर्ट खून से लथपथ है और हाथ फूले हुए। हड़बड़ी में उसने घर का ताला खोला और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बड़ी जद्दोजहद के बाद उसने अपने शरीर से खून को साफ किया, पर पानी उसके ऊपर से जैसे जैसे नीचे जाता वो लाल के साथ साथ काला हो जाता। थोड़ी देर बाद राजीव को महसूस हुआ उसे गर्मी कुछ ज्यादा ही लग रही है। वो बर्फ निकाल अपने चेहरे पर रगड़ने लगा। उसे भूख का एहसास भी हुआ, पर लगभग 2 घंटे तक लगातार खाते खाते भी जब उसकी भूख ना मिटी तो वो छटपटाने लगा। वो समझ रहा था उसके शरीर में बदलाव हो रहे हैं, पर कैसे वो ये नहीं भाप पा रहा था। उस रात राजीव कराहता रहा। ऐसा दर्द जो असहनीय था उसको भेदने लगे।
पर अगले 3 दिनों तक राजीव न तो बाहर आया और न ही आसपास के लोगों ने उसे काम पर जाते देखा। कुछ लोगों का तो यह भी कहना था, उन्होंने राजीव के घर से देर रात डरा देने वाली आवाजें सुनी। गौतम और पूर्वा उसके पड़ोसी थे। गौतम का कहना था, पिछली रात उसने राजीव को बैल्कनी में खड़ा देखा। वो अपने ही हाथों को चबा रहा था, खून से लथपथ हाथों पर हड्डियां दिखने लगी थी। वहीं पूर्वा का कहना था, वो राजीव है ही नहीं जिसको उसने देखा। उसकी आंखों की पुतलियां तो पूरी काली थी, पैर कुछ ज्यादा ही लंबे थे। धीरे धीरे यह खबर आसपास फैल गई। लोग डर में तब सहम गए जब पाया आसपास के कुत्ते और बिल्ली गायब होने लगे हैं और उनकी चीखें राजीव के घर से आने लगी, मानो उनको कोई बेरहमी से मार रहा हो। जब पुलिस को सूचित किया गया तो पुलिस ने सुबह सुबह ही राजीव के घर में प्रवेश किया। उसका पूरा घर खून से नहाया सा था, दीवारों पर ताजा खून के निशान थे, अनेकों जानवरों के कटे फटे शरीर वहां पड़े थे जिनसे गंध आ रही थी। राजीव की बैल्कनी में हड्डियों की भरमार लगी थी। किसी को भी यह दृश्य अंदर तक दहला सकता था। पुलिस ने घर का हर कोना छाना पर राजीव ना मिला तो उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया कि राजीव को तुरंत पकड़ा जाए। लंबी खोज के बाद भी राजीव की कोई खबर ना मिली। लोग ये मान बैठे कि राजीव पर किसी पिशाच का साया है और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। इंस्पेक्टर निकुम के हाथ जब केस आया तो उन्होंने मशहूर डॉक्टर शेखावत से मदद मांगी। डॉक्टर, बड़ी अजीब बात है, राजीव मिल ही नहीं रहा और उसके घर पर खून का मानो सैलाब सा आ गया था। लोगों का तो यह भी कहना है कि वो अजीब सा दिखने लगा था, पर यह बात मेरे गले नहीं उतर रही। आपको क्या लगता है? इंस्पेक्टर परेशान थे। आखिरी बार राजीव को किसने देखा था? उसकी दिनचर्या क्या थी? मतलब आना जाना, उठना बैठना? शेखावत ने पूछा। उसकी पड़ोसी पूर्वा बता रही थी, वो झुककर चल रहा था और एक पक्षी को वो कच्चा चबा गया। उसकी आंखें काली थी, हाँ वो गुर्रा भी रहा था। अगर दिनचर्या की बात करें तो वो सुबह काम पर निकल जाता था और अक्सर देर रात वापस आता था। कुछ लोग बता रहे थे वो एक शॉर्टकट लेता था जो कब्रिस्तान के पीछे से होकर गुजरता था, हालांकि उस तरफ से कोई आता जाता नहीं। डॉक्टर शेखावत कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, कुछ दिन पहले चंद्रमा पूरे शवाब पर था। उस रात काली शक्तियां ताकतवर हो जाती हैं, पर यह भूत प्रेत का मामला नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता जैसा राजीव के साथ हो रहा है। अगर वो उस रात कब्रिस्तान से गुजरा तो जरूर वहीं कुछ हुआ होगा। राजीव मिलेगा तो वहीं मिलेगा, हमें वहीं चलना चाहिए। शेखावत के कहे अनुसार पुलिस की एक छोटी टुकड़ी भी वहां पहुंच गई। लगभग 2 घंटे तक उन्होंने कब्रिस्तान का चप्पा चप्पा छाना, पर मायूसी ही हाथ लगी। दोनों पुलिसकर्मी जब थक हार कर वापस लौटने लगे तो एक पुरानी कब्र उन्हें उजड़ी सी दिखी। जब उन्होंने उस पर से थोड़ी मिट्टी हटाई तो पाया नीचे जमीन अंदर तक खुदी है। शायद जो शरीर वहां दफनाया गया था उसके अवशेष अब वहां नहीं थे। यह बेहद चौंका देने वाली बात थी। सूचना मिलते इंस्पेक्टर निकुंभ मौके पर पहुंच गए, उनकी टीम भी वहां आ चुकी थी। क्या किसी ने कब्र को खोदकर वहां से अवशेष निकाल लिए हैं, या कोई नीचे से कब्र को खोदता बाहर निकला है? पहले की संभावना हो सकती है, दूसरे की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। इंस्पेक्टर निकुंभ खुद से सवाल कर बैठे। डॉक्टर शेखावत को सारी तस्वीरें दिखाई गईं जो पुलिस ने ली थी। राजीव की अब तक की रिपोर्ट भी उनको सौंपी गई। हमें नहीं लगता डॉक्टर ये कोई आम वारदात है, हालांकि हम लोग इन सब बातों पर यकीन नहीं करते, पर आगे का कोई रास्ता भी तो नहीं दिखता। क्या लगता है आपको? इंस्पेक्टर निकुंभ सवालों से घिरे थे।
कुछ बातें साफ हैं। राजीव या तो मानसिक रूप से बीमार है या फिर उस पर कोई शक्ति हावी हो गई है। उसके घर में मरे हुए जानवरों का पाया जाना, उसके शारीरिक आकार में परिवर्तन आना और अचानक गायब हो जाना, ये सब एक ही दिशा में इशारा करते हैं। वो जिस रात कब्रिस्तान से गुजरा, उस रात कोई ताकतवर शक्ति भ्रमण कर रही थी। वो लंबे समय से कैद थी और वो रात उसकी आजादी की रात थी, पर वो वापस लौटी नहीं, बल्कि उसकी नजर राजीव पर गई और राजीव उससे रूबरू हो गया और उसे अपने साथ घर ले आया। धीरे धीरे वो शक्ति राजीव पर हावी होने लगी और जो उसे चाहिए था हासिल करने लगी। मांस, खून इत्यादि उसे जहां से मिलते लेने लगी। समय के साथ साथ राजीव तो खत्म होने लगा होगा और वो शक्ति अपना रंग दिखाने लगी। जहां तक मेरा मानना है, ठीक 3 दिन बाद वो शक्ति राजीव को अपने साथ उसी कब्र में ले जाएगी, क्योंकि वो बहुत दिनों तक बाहर नहीं रह सकती, उसे वापस लौटना ही होगा। पर उसकी लालसा होगी कि राजीव के शरीर और आत्मा को भी वो निगल जाए। इंस्पेक्टर निकुंभ बिना पलकों को झपकाए बस डॉक्टर की बातें सुन रहे थे। तो फिर राजीव को बचाया नहीं जा सकता, इंस्पेक्टर ने पूछा। कोशिश की जा सकती है, हालांकि अब देरी हो गई है और इस तरह का प्रयोग शुरुआती दौर में ही होना चाहिए। हमें उस कब्र में अंदर से पानी भरना होगा, आसपास ज्वलनशील पदार्थ रखने होंगे और एक धागा चारों ओर बांधना होगा। जैसे ही राजीव उस कब्र की ओर बढ़ेगा, आपको कब्र के बाहर आग लगा देनी होगी। ऐसा करने से शायद राजीव कुछ पल के लिए उस शक्ति से मुक्त हो जाए, और जैसे ही ऐसा होगा, यंत्र आपको बजाना होगा। इससे निकली ध्वनि उस शक्ति को वापस अपनी दुनिया में प्रवेश करने के लिए मजबूर कर देगी। डॉक्टर के बताए तरीके इंस्पेक्टर ने अपनाए। इस पूरी प्रक्रिया को डॉक्टर शेखावत की निगरानी में किया गया। हालांकि हर कोई इन बातों पर यकीन करने को तैयार ना था, पर जब राजीव को उन्होंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देखा तो स्तब्ध खड़े रह गए। वो राजीव अब राजीव नहीं बल्कि कोई दैत्य लग रहा था। पीठ का ऊपरी भाग बाहर को निकल चुका था, सर के बाल झड़ से गए थे, दोनों पैर खून से सने थे और उसकी आवाज बेढंगी थी। सच कहें तो शायद राजीव था ही नहीं। डॉक्टर समझ चुके थे, उन्होंने तुरंत इंस्पेक्टर को सब कुछ रोक देने को कहा। कोई कुछ भी नहीं करेगा, ये राजीव नहीं है, इसे जाने दो। डॉक्टर की आवाज सुन सब रुक गए। सबके सामने वो दैत्य घिसड़ता कब्र की ओर गया और उसमें गिर गया। डॉक्टर तुरंत कब्र की ओर दौड़े और हाथ में एक कपड़ा जला उसमें फेंक दिया, पर पानी होने के कारण आग बुझ गई। डॉक्टर कब्र के अंदर कूद गए और अधमरे से राजीव को बाहर निकाला। अब पूरी प्रक्रिया शुरू करो, डॉक्टर ने इंस्पेक्टर की ओर देखते हुए चिल्लाया। इंस्पेक्टर निकुंभ तुरंत हरकत में आ गए और आग जला धागा बांध दिया, फिर यंत्र बजा दिया। कुछ ही देर बाद कब्र को पूरी तरह ढक दिया गया। इंस्पेक्टर प्लान में बदलाव से हैरान थे। डॉक्टर, आपने देरी करने के लिए क्यों कहा और खुद कब्र से राजीव को क्यों निकाला? वो दैत्य पूरी तरह इस दुनिया में आ चुका था और राजीव कब्र का हो चुका था। मुझे देखते ही ये समझ में आ गया, उस दैत्य ने राजीव की आत्मा को कब्र में कैद कर दिया था। अगर हम दैत्य के कब्र में जाने से पहले अपनी प्रक्रिया शुरू कर देते तो दैत्य इसी दुनिया में रह जाता और राजीव की आत्मा उस कब्र में फंसी रह जाती। राजीव की आत्मा का उसके शरीर से मिलना जरूरी था और जैसे ही ऐसा हुआ, मैंने राजीव को बाहर निकाल लिया। राजीव को किसी तरह बचाया गया, पर उसकी हड्डियों में इतने बदलाव आ चुके थे कि उसको पूरी तरह ठीक करना अब मुश्किल हो चुका था। हालांकि 3 महीने बाद उसे अस्पताल से आजादी मिली, पर आज भी रह रहकर उसे खून और मांस की चाहत होती है। उसे लगता है कोई उसका हिस्सा उसे मांग रहा है।
राजीव वापस उस रास्ते कभी नहीं गया। पर रुक रुक कर खबर आती है कि कब्रिस्तान के रास्ते आज भी कोई साया नजर आता है। इसी के साथ मैं इस कहानी और अपनी वाणी दोनों को विराम देता हूं। मिलेंगे जल्दी एक नई कहानी के साथ। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर सुधांशु राय ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं।